डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो ईमेल मार्केटिंग आता है उसके बारे में भी बता दिया। लेकिन आप जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते तो समझिए डिजिटल मार्केटिंग आपको कुछ आता ही नहीं है। ऐसे में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय इन्फोमा। दोस्तों, एक दोस्त के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे आप अच्छा दोस्त समझते हैं तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग जो टर्म है, इसी से समझ में आ जाता है कि मार्केटिंग करने का जो तरीका जिसमें सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब इस्तेमाल हो, उसको कहेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब जैसे समझिए, सोशल मीडिया को पहले समझते हैं कि कौन कौन से सोशल मीडिया हैं। आप खुद सोच के देखिए, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ये भी सोशल मीडिया है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, जो इनफैक्ट अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये भी सोशल मीडिया, मतलब कि वीडियो सोशल मीडिया है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये भी सोशल मीडिया का एक पार्ट होता है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया जितने भी है, जैसे कि मान लीजिए कि इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम भी आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अभी तक मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, एज इन्फॉर्मर नाम से ही ऑलरेडी बना चुका हूँ। चलिए, मैं यहाँ पे बात करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। तो आप सोशल मीडिया कब से इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या देखते हैं वहाँ पे? आपके दोस्त रहते हैं, उसका तो आर्टिकल रहता है, साथ साथ आप देखते होइएगा कि स्पॉन्सर्ड जो है इस टाइप का आर्टिकल रहता है। तो ये तो हो गया एक यूजर के नाते आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं सोशल मीडिया का। लोग तो सर्च तो करते हैं, लेकिन कितने देर सर्च करते हैं? सर्च किए, कंटेंट देखे और बैक टू बैक आ जाते हैं, अपना काम किए चले आते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फेसबुक हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, मतलब कि जितने सोशल मीडिया है ना, उसको उठा के देख लीजिए, उसके करेंट यूजर को देख लीजिए, एक्टिव यूजर के देख लीजिए, आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा लोग जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे। कुछ लोग वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ का जो है फ़ायदा आपको उठाना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन के नाते या एक डिजिटल मार्केटर है या डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा 100% उठाना चाहिए। क्यों, कैसे, अब ऐसे समझते हैं। देखिए, फेसबुक है, फेसबुक मार्केटिंग करना होगा तो कैसे करेंगे? आप अपना पेज बनाएंगे, उस पेज पे जिस प्रोडक्ट को, जिस कंपनी को या जिस बिजनेस को आपको प्रमोट कराना पड़ेगा, वहाँ पे उस चीज़ को प्रमोट करेंगे। आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ये मिलता है कि आपका टारगेटेड ऑडियंस होता है। पहले तो मैं बता दूँ, डिजिटल मार्केटिंग में ही टारगेटेड ऑडियंस हो जाता है, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस के साथ साथ जो है यहाँ पे ये होता है कि आपको किस एज का, किस मतलब मेल या फीमेल का। अब जैसे मान लीजिए कि ब्लॉगिंग पर अगर एडवर्टाइज कराना चाहते हैं तो मेल फीमेल को कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा? कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। मेरे वेबसाइट पर आ रहे हैं, मेरा ही वेबसाइट है, तो इसको लीजिए कि क्या मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा कि मेल को आना है, मेल को आने दूंगा, फीमेल को नहीं आने दूंगा, तो मैं कैसे एडवर्टाइज दिख पाऊंगा? या मेरे ब्लॉग पे जो है जितनी भी एडवर्टाइज आता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है? नहीं ना कर सकते हैं। या एज ग्रुप को कैसे डिफाइन करूंगा? लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेनिफिट है कि लोग जो रजिस्टर करते हैं, जब भी उस पे आएंगे तो कोई ना कोई रजिस्टर करेंगे, तभी तो आएंगे। फेसबुक की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, ट्विटर की बात करते हैं, तो वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, जेंडर डालते हैं, इंटरेस्ट भी लगभग समझ में आ जाता है, जिस टाइप के पेज लाइक्स किए रहते हैं, जिस टाइप का पोस्ट करते हैं, ये सब होता है। तो ऐसे में आप अगर एक एडवर्टाइजमेंट कराने वाले या बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आपका प्रोडक्ट है, सपोज डैट कि कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए है या सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, तो समझ में आ जाएगा ना कि आपको किसको टारगेट करना है, तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, जिसे ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा आपके बिजनेस के लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग को जो है फ्यूचर भी है बहुत ज़्यादा। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड में आप काम करेंगे तो आपको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा, आपका कैरियर या जॉब या बिजनेस जो है इस पे डिपेंड है, ये भी आपका ग्रोथ रहेगा। तो ये हो गई बात। अब एक बात बताइए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक और चीज़ होता है। देखिए, आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो है इस्तेमाल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। आप इंस्टाग्राम का पोस्ट ऐसे कीजिए, आप सर्च कहीं और करते हैं, आपके डिवाइस के सर्च के अनुसार, आपकी एक्टिविटी के अनुसार, आपके ऑटोमेटिकली वहाँ पे एडवर्टाइज शो करना शुरू कर देता है। तो सोच लीजिए कि आप क्या लिखते हैं, आप कैसे पोस्ट को लाइक करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, सब चीज़ को सोशल मीडिया टारगेट कर रहा है, और टारगेट करके वो अपना डेटाबेस जो है, मतलब एक तरह से ट्रैक करके,
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहा है और इसका इस्तेमाल अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा है। तो सोचिए, लाखों रुपीज, करोड़ों अरबों रुपीज लगा करके अगर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट हो, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो, ये सब जो अपना काम करे, तो इसका बेनिफिट क्यों ना उठाएं? आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको कहूंगा कि दोस्तों, अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ईमेल मार्केटिंग तो करना ही है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग की जगह तो डायरेक्ट वन टू वन टच में रहिएगा। लेकिन आपको जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग हमेशा करना चाहिए और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब फेसबुक करना होगा तो मैंने आपको बता दिया, ट्विटर पर करना है तो ट्विटर जो ट्वीट कीजिएगा उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक और चीज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है, वो होता है स्पॉन्सरशिप। सपोज कि मैं वीडियो कंटेंट बनाता हूँ तो मुझे जो है कोई कंपनी देखेंगे कि अच्छा, ये जो है इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, उनको अगर पसंद पड़ेगा वो मुझसे बात करेंगे और मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और, स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं कि आपको खरीद लिया। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि जैसे मैं जिस टाइप का वीडियो बनाता हूँ आपको तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन हो सकता है कोई नया कंपनी आया, आप ही हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम करने के लिए आए, आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में या तो आपका बिजनेस होगा या आपका जो क्लाइंट होगा, बिजनेसमैन होगा, उसका जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च कीजिएगा तो क्या होगा, उस कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता है। तो एटलीस्ट किसी न किसी इन्फ्लुएंसर से या किसी न किसी अच्छे यूट्यूबर से, या जैसे कि एग्जाम्पल कीजिए मुझे, मेरे फील्ड से रिलेटेड अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे या कोई मुझसे कांटेक्ट करेगा और कहेगा कि आप अपना रेगुलर वीडियो तो बनाते हैं लेकिन एटलीस्ट जो है मेरे बिजनेस के बारे में, मेरे प्रोडक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दे, अगर एक सूचना दे दे, लोगों को बता दे, तो लोग तो अवेयर हो जाएंगे। जिनको इंटरेस्ट होगा वो प्रोडक्ट को लेंगे, जिनको इंटरेस्ट नहीं होगा प्रोडक्ट को देख करके छोड़ देंगे या नहीं देखेंगे, इंटरेस्ट की बात है। तो स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। तो ये आज के डेट में जो है, जो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में स्पॉन्सरशिप जो है खास करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है। ये बात आप मान लीजिए कि आप डिजिटल फील्ड में आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में कर रहे हैं काम, आपको स्पॉन्सरशिप के बारे में बढ़िया से डिटेल्स में जानकारी ले लेनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से भी ज़्यादा जो बेनिफिट आपको स्पॉन्सरशिप पहुँचाएगा, ये बात जान लीजिए। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, और इसके बारे में और डिटेल धीरे धीरे मैं बताऊंगा। लेकिन आपको जो है इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस देना पड़ेगा। आपको इस वीडियो के नीचे जो है कैसा लगा ये वीडियो बताइए, आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।